मेरे बाप सब कुछ तो दे चुका हूँ तुझे, एसी, टेलीफोन, गैस, चूल्हा, फ्रिज, टीवी, टीवी, हाँ, टीवी, हाँ, मैं ब्लैक एंड व्हाइट दिया है टीवी, भाई म्यूजिक बहरहाल स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में। देवियों और सज्जनों नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक व्लॉग्स में बने रहने के लिए। अगर आपको ये मालूम नहीं है कि ये व्लॉग किसके बारे में है या फिर ये श्रृंखला व्लॉग्स की यहाँ से जो शुरू होती है वो किसको डेडिकेटेड है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये एक कह सकते हैं व्लॉगिंग सीरीज कह सकते हैं इसको, जो एक थिएटर फेस्टिवल को कवर करती है। तो हम एक थिएटर फेस्टिवल जिसका नाम है तरंगम, जो दो जगह हो रहा है, कोटद्वार मेरा होम टाउन और उससे 36 किलोमीटर आगे गुमखाल में। तो मैं नाजरीन आपका दोस्त और होस्ट आज आदा जापना। तो इसके तीन शोज यहाँ लगातार 3 दिन होंगे जिनको हम होस्ट करने वाले हैं और यहाँ पर इसको मैनेज करने वाले हैं। तो व्लॉग शुरू करते हैं भाई। हाँ है मीठा हम हैं फिलहाल चूनाधारा में, यहाँ पर जो मीठे पानी का सोता है बीच में पड़ता है, और निकले हुए हैं कहाँ के लिए, वो एस्टरव्यू रिजॉर्ट गुमखा। जनाब मुंबई से मैं दिल्ली से आया हूँ उसको सफल बनाने के लिए, रास्ते पर निकल चुके हैं सुबह सुबह। अमेजिंग जगह है, मैंने देखा हुआ है वहाँ पे, ऑलरेडी देखा हुआ है, बहुत अमेजिंग जगह है। आप लोग साथ में रहिए, हाँ मजा आएगा, बने रहिए, बहुत मजा आएगा। जर्नी शुरू हो चुकी है। गुमखाल पहुंचने में अभी समय है, जहां पर ये सारा कार्यक्रम होने वाला है। मुंबई से टीम पहुंच रही है, पहला शो मुंबई की टीम का है। वो लोग कोटद्वार से निकल चुके हैं, हम उनसे पहले पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल बीच में हाथ मुंह धो लेते हैं पहले। एटलीस्ट टीम से पहले पहुंचा जाए, रस्ते में हम लोग। कहीं कहीं जो है जंगलों ने आग पकड़ी हुई है, गर्मियों में ऐसा हो जाता है। गुमखाल की सीमा प्रारंभ। तो एस्ट्रोव्यू रिजॉर्ट में हम पहुंच चुके हैं, यहाँ से ऊपर पहुंच के रिजॉर्ट आ जाएगा। कैसा महसूस हो रहा है आपको? यार बहुत ही अमेजिंग जगह है, बहुत मजा आ रहा है यार। क्या मतलब समझ रहे हो, तुम दिल्ली से आए भाई, वहाँ समतल जमीन मिलती है और हम दोनों ही आज यहाँ पर मैनेज करने वाले। या आइए सर, चलिए। तो यस, ये आ गए हम लोग एस्ट्रोव्यू। ये देखिए बोर्ड, ये है चढ़ाई, चढ़ाई मेरे भाई, बस गिरा ना मत मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, ओके मेरे भाई। और ये भाई खड़ी है सबसे, नाइस। ओ माय गॉड, और ये पूरा साउथ वाले स्टाइल में एंट्री लेते हुए। रुक जाता मिनट, चलिए। यस आई सर, प्लीज सर, प्लीज सर, दिस वे, दिस वे, कम ऑन सर, दिस वे, दिस वे, दिस वे, थैंक्स सर, दिस वे, खाई में जाना सर आपको। तो हम रिजॉर्ट में एंटर कर रहे हैं, देखिए आप, दिस इज द रिजॉर्ट। अरे शिवम ब्रो, कैसे हैं आप? क्या स्वर्ग जैसी वादियों में रह रहे हो? अरे नहीं ऐसे नहीं, हेलो, क्या हाल है भाई? दिस इज शिवम, ये हमारे काफी करीबी बहुत पुराने मित्र हैं। इन्होंने ये जिम्मा उठाया कि ये मैनेज करने में हमारा साथ में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। यहाँ पर मुंबई से टीम बस थोड़ी देर में पहुंचने वाली होगी, बस उनका रहन सहन का देखते हैं। चलिए आइए आइए,
कितना ब्यूटीफुल रिजॉर्ट यार। अच्छा रोहित लोग आ गए, अभी शाम तक तो स्वर्ग हो जाएगा ये। अश्विनी भाई को अगर आप देखें तो वो वहाँ लग चुके हैं अपने काम पर, फोटोज वगैरह खींचना शुरू कर दिया उन्होंने। शाम होते ही यहाँ का समा कुछ और होगा। बहरहाल मेरे पीछे जो आप स्पेस देख रहे हैं उसको हम लोग स्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब एक थिएटर स्टेज बना रहे हैं, वहाँ अंदर बन रहा है, डिज़ाइन हो रहा है। ये महत्वाकांक्षाओं चाहतों के ऊपर है कि यहाँ एक थिएटर शो होने वाला है गुमखाल जैसी जगह पर। पहला शो यहाँ पर एक टीम करेगी जो मुंबई से आ रही है। आइए मैं अंदर बता देता हूँ कैसे काम धाम चल रहा है। रोहित भाई से मिले, मेरे साथ पीकू भी है, प्रियंका मैं तो हुई, पर रोहित भाई से आप मिले। ये हमसे भी पुराने रंगकर्मी हैं और आज इन्होंने स्टेज का इन्होंने स्टेज जिम्मा संभाला है, स्टेज बनाने का यहाँ पर। ये बीच में वाला एरिया जो है वो एक्टर्स के परफॉर्म करने के लिए है। बहरहाल किनारे से वो पीछे आगे पीछे मूव कर सकते हैं, सीन से एग्जिट ले सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। गाड़ियाँ तो देखो पहुँच चुकी हैं, ये दोनों जो सुमोज हैं मुंबई से पहुँचे हैं अभी अभी, पूरी टीम आ चुकी है। तो टीम पहुँच चुकी है इन खूबसूरत वादियों में, उनका स्वागत करते हैं, रूम्स वगैरह अलॉट कराते हैं। सबसे पहले शाम तक हम स्टेज तैयार कर देंगे, शो कल होने वाला है। जनाब आ गई है टीम, बट स्वागत के लिए हमने कुछ लिया ही नहीं, टमाटर अंडे कुछ है ही नहीं हमारे पास। आ जाओ। तो भैया ये पूरा रिजॉर्ट है, रुकने की जगहें हैं, इस तरफ एरिया है जहाँ पर गेस्ट वगैरह खाना वाना खाते हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं अपने रूम की ओर। यस यार इस तरफ भी बढ़िया है। नाइस यार, इधर से थोड़ी वादियाँ दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी? अच्छा ये बच्चे इधर ही हैं, है ना? हाँ ये सामने है। इस तरफ थोड़ी वादियाँ दिख रही हैं, नजर आ रही हैं, बढ़िया है यार ये। ठीक है भैया। ठीक है। टीम उधर लंच कर रही है, हम भी चल रहे हैं। आइए आइए अश्विनी भाई, आप कर लेते हैं लंच। चले रोहित जी, यहाँ पर टिश्यूज हैं के टिश्यूज, सब्जी चावल दाल सब लगा हुआ है। फूड कैसा है आप ये बताएं? मार वेरी गुड, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। भैया सारी टीम सो रही है, अभी जो बंदे हैं वो स्टेज बना रहे हैं और सब तक शिवम मैं और रोहित खेल रहे हैं क्रिकेट। अरे अरे LBW था बस। ऐसी ऐसी स्विंग डाली मैंने, रोहित बेचारा आउट हो गया। पीकू ने बॉल कराई थी, काफ़ी स्विंग मिली थी पीकू को, बाकी बॉलर ने बहुत प्रयास करा, रोहित पहले आए थे, रोहित ने भी प्रयास करा बॉलिंग में, मगर रोहित को वो नहीं मिली, पिच नहीं मिली, पिच से वो मदद नहीं मिली। और अब देखिए दूसरी तरफ आए शिवम भाई, शिवम भी ट्राई कर रहे हैं कि मेरे को पिच से कुछ मदद मिले। और हवा का काफ़ी भाई यहाँ पर जो क्रिकेट खेलने का मजा है। अभी देखिए आउट होंगे पीकू, ये एक हाथ में ना, तो ये ना षड्यंत्र मत कर हमारे साथ, एक हाथ में ये पकड़। तो भैया डिनर जिनर हमने कर लिया, क्रिकेट बहुत तगड़ा खेला हमने, भर भर के बहुत देर से क्रिकेट खेल रहे थे हम, शिवम मी एंड माय टीम। चलो भैया सेट तैयार है और कल इसकी थोड़ी और मरम्मत करेंगे, थोड़ा और बेहतर बना देंगे सेट को।
फिलहाल टीम जो है रिहर्सल कर रही है, तो कल मुलाकात करते हैं इन लोगों से। तो यहाँ पर रिहर्सल्स चल रही हैं, टीम रिहर्सल कर रही है अच्छी खासी, फिलहाल उनको रिहर्सल्स करने देते हैं क्योंकि 2-3-4 रिहर्सल्स करेंगे वो। ये 1.5 घंटे का प्ले है ऑलमोस्ट, है ना, 3-4 घंटे बेचारों के जाएंगे अभी। बहुत प्यारी हवा चल रही है, सीरियसली बहुत प्यारा, ठंड लग रही है। हमारी लोकेशन है, अब हम सोने जा रहे हैं, रूम टूर अच्छे से कराएंगे कल। नींद आ रही है भैया बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया भाई, और सुबह से काम वाम बहुत सारा, यू नो। तो भैया आप सो रहे हैं, फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं अंत करते हैं। अगर आपको ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन का बटन दबाएं, उसके अलग मजे हैं, गारंटेड फन। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ रोज ब्लॉग्स आ रहे हैं।